नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रसोई रूम में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगी राजमा के सब्जी कैसे बनाते हैं, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, जो कि चावल के साथ भी लोग खाते हैं, चाहे पराठे के साथ भी खाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए ये आपको दिखाती हूँ, और कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजमा को 12 घंटा पहले भिंगो के रख दिए थे। अब इसको छान के साफ करके ले लिए हैं। 3 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 4 चम्मच हम सरसों के तेल लिए हैं, और 1 बड़ी चम्मच हरी धनिया बारीक काट लिए हैं, कश्मीरी मिर्च लिए हैं आधा छोटी चम्मच, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर लिए हैं, और 1 चम्मच हम साबुत जीरा लिए हैं, गरम मसाला आधा छोटी चम्मच लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, 10 कली लहसुन के लिए हैं, 1 छोटा टुकड़ा अदरक के ले लिए हैं, स्वाद के अनुसार नमक लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हूँ, 4 लौंग ली हूँ, 4 इलायची लिए हैं, 1 तेजपत्ता के पत्ता, 2 लाल मिर्च लिए हैं। सबसे पहले हम कुकर रख दिए हैं, फ्लेम को चालू कर दिए हैं। अब इसमें हम अपने राजमा को और ढक्कन को बंद कर देंगे। कम से कम 7-8 सीटी तक उबालेंगे इसको। अब इसके बाद हम जो प्याज टमाटर और अदरक लहसुन लिए हैं, ये तीनों चारों चीज़ के पेस्ट बना लेंगे। अब हम कटे हुए प्याज इसमें डाल देंगे मिक्सी में, और टमाटर डाल देंगे, लहसुन लिए थे इसको भी डाल देंगे, अदरक के टुकड़े को भी डाल देंगे, मिर्च को भी डाल देंगे। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। 8 सीटी लग गए हैं। इसको अब हम कुकर को उतार लेंगे और इस पे कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम तेल डाल देंगे, जो तेजपत्ता के पत्ता लिए थे इसको डाल देंगे, लाल मिर्च भी डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे, जो 4 लौंग लिए थे इसको भी डाल देंगे, इलायची लिए थे छोटी इसको भी डाल देंगे, और जो जीरा लिए थे साबुत इसको भी डाल देंगे। इसको आधा मिनट तक भून लेंगे। आधा मिनट हो गए हैं। जो पेस्ट बनाए थे इसको भी डाल देंगे इसमें। इसके बाद से हल्दी पाउडर लिए थे इसको भी डाल देंगे, धनिया पाउडर को भी डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, हमारे मसाले में तेल छोड़ दिया है। इसमें जो राजमा लिए थे इसको डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। जो हमारे राजमा के पानी बची थी इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको 2 मिनट तक हम ढक देंगे। 2 मिनट में हमारी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। 2 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हटा के राजमा को देख लेंगे। सब्जी हमारा तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और गरम मसाला को डाल देंगे। अब कटोरे में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ खाएंगे। अब राजमा को कटोरे में निकाल लेंगे। राजमा की सब्जी गर्मा गर्म कटोरे में निकाल लिए हैं, और इसको धनिया पत्ता से सजा देंगे, और चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर हमारी ये राजमा की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।